दबंग भाईजान की बिग बॉस 14 को लेकर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, वो भी उनके फीस को लेकर। पर एपिसोड दबंग सलमान खान कितने फीस लेते हैं और इस 2020 में कितने फीस लेने वाले हैं पर एपिसोड के बारे में, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर सामने आ रही है। जी हाँ, जिस तरीके से कोविड, जी हाँ, जो पूरे भारत में कोविड जिस तरीके से फैला है और बल्कि अभी भी फैल रहा है, पर धीरे धीरे जिस तरीके से सरकार गाइडलाइंस जारी कर रही है उससे लोग शूटिंग पर निकल रहे हैं, यानी कि शूटिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और अब ऐसे में सलमान खान की जो बिग बॉस है वो 3 अक्टूबर से रात 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। और अब जो सलमान खान के जो पर एपिसोड का जो खर्चा आता है वो कहीं ना कहीं 20 करोड़ रुपए बताई जा रही थी। जी हाँ, 20 करोड़ सलमान खान एक एपिसोड का लेते हैं। जी हाँ, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि सलमान खान जो प्रोड्यूसर हैं, सलमान खान जो बिग बॉस के प्रोड्यूसर हैं, उनसे अपनी फीस में कटौती करने की मांग की है। जी हाँ, सलमान खान ने खुद कहा है कि मैं बिग बॉस 2020 के लिए जो फीस होगी उसमें मैं कटौती करूंगा। जी हाँ, उन्होंने तर्क दिया है कि मैं ये पैसे इसलिए कटौती करना चाहूँगा ताकि जो उनके साथ जुड़े हैं बिग बॉस में, जो मेकर्स जुड़े हैं और जो उनके जो बिग बॉस पे सेट पे काम करते हैं, ताकि उनकी सैलरी मिल सके। यानी कि एक बार फिर से भाईजान ने दिल जीत लिया है, सारे जो कलाकार होते हैं, जो काम करने वाले हैं, यूनियन वाले का दिल जीत लिया है। जी हाँ, क्योंकि सलमान खान के साथ कोई भी काम करता है उनका भरपूर सहयोग करते हैं, चाहे वो पैसे से हो चाहे फिर वो प्यार पाने में। सलमान खान, क्योंकि इस समय कोविड का समय है, लोगों को काम नहीं मिल पा रहा, तो कहीं ना कहीं सलमान की भारी भरकम फीस में अगर कटौती होती है, खुद कहते हैं, खुद उन्होंने अनाउंस किया है, तो इससे बिग बॉस पर और भी कई सारे लोगों को काम मिलेगा, जिससे लोगों की घर और घर के चूल्हे और जलेंगे। तो कहीं ना कहीं सलमान खान ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, बिग बॉस को, मेकर्स को भी और कई सारे जो वर्कर होते हैं काम करने के सेट पे, जो मजदूर होते हैं, वो काम करने वाले जो आर्टिस्ट होते हैं, उनके घर में कहीं ना कहीं ये सैलरी मिलेगी। तो बिग बॉस की तरफ से ये एक ताज़ा अपडेट था कि सलमान खान ने फाइनली अपने फीस में कटौती कर दिया है। क्या कहना है सलमान खान के इस नेक दिल काम के लिए, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।